एलिगेशन है, उन्होंने कहा है कि जो बसपा के जो टिकट हुए मुस्लिम जो हुए हैं वो भाजपा और संघ को फायदा पहुंचाने के लिए कहा गया है। जो मुस्लिम जो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और लंबे समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उन्हें कई बार ये अवसर दिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की हताशा है इस प्रकार की बयानबाजी करना। लोकतंत्र में सबको अपने एजेंडे के आधार पर, अपने कामकाज के आधार पर जनादेश मांगना, जनता के बीच में जाना उनका अधिकार है और इस प्रकार अनावश्यक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक परिवारवाद की बात है तो अभी रामपुर से नाम चल रहा है उनके, तेज प्रताप जी का, तेज प्रताप यादव का, वहाँ से टिकट की बात आ रही है यादव परिवार की। अब समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि अगर आप देखोगे तो ये लोग परिवारवादी लोग हैं और परिवार में भी अपने जो घर के इनके नज़दीक सगे संबंधी हैं उससे ये आगे बढ़ नहीं पाए। अब अगर आप देखेंगे मुलायम सिंह जी से शुरू होकर समाजवादी पार्टी आज लगभग 30-35 वर्षों में अखिलेश जी तक पहुंची। बेचारे शिवपाल जी को भी अवसर इस रूप में काम करने का नहीं मिला, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है और मुझे विश्वास है कि हमारा जो काम है, हमारी सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों में काम किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाने का, पूरा प्रदेश विकसित भारत संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश भी अब की बार 80 पार करेगा। आज नॉमिनेशन का पहला दिन है, आप नॉमिनेशन हुआ है, क्या लगता है पूरे यूपी में 80 में से कितना जाएगी? इस प्रकार की परिस्थिति है और हमारा बिल्कुल स्पष्ट संकल्प है, हमारा मत है कि हम अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में। सरकार ने 10 वर्षों में जो काम किए, विकास के काम किए और दुनिया में जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा, मान सम्मान और हमारी सरकार ने आस्था और परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस आधार पर उस काम को लेकर हम जनता के बीच में। ठीक है।